एक बार की बात है, सर्दी का मौसम था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दूर किसी गांव में गायत्री नाम की एक गरीब और खूबसूरत माँ तीन रातों से जाग रही थी, क्योंकि उसकी 10 वर्षीय बेटी भूमि 3 दिन से बहुत बीमार थी। गायत्री ने बुखार की दवाई तो दी थी, लेकिन दवाई का उस पर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। गायत्री बार बार रुमाल भिगोकर भूमि के माथे पर रख रही थी। तभी भूमि मासूमियत से बोली, माँ, बुखार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसे जल्दी से भगा दो ना, बिस्तर पर पड़े पड़े मैं ऊब गई हूँ। हाँ बिटिया, तुम्हारा बुखार जल्दी ठीक हो जाएगा, मैं कल तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगी। तभी अचानक रात के समय भूमि की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। माँ, माँ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचा लो माँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, मैं हूँ ना। लेकिन तभी भूमि की आंखें बंद हो गई, वो कुछ बोल नहीं रही थी। मेरी बच्ची, आंखें खोलो, चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। भूमि की सांसें थोड़ी थोड़ी चल रही थी। गायत्री अपनी बच्ची के शरीर से लिपटकर बिलक बिलक कर रोने लगी। तभी वहां तेज रोशनी के साथ एक आकृति प्रकट हुई, वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात यमराज थे, जो भूमि की आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाने के लिए आए थे। कौन है आप? हम यमलोक के राजा यम हैं। हम तुम्हारी बच्ची के प्राण लेने आए हैं। नहीं नहीं, मेरी बच्ची जिंदा है, मैं आपको मेरी बच्ची के प्राण नहीं ले जाने दूंगी। यम है हम, तुम मुझे नहीं रोक सकती, तेरी बच्ची का अंतिम समय निकट आ गया है। नहीं यमराज, मेरी बच्ची ही मेरी जीने का सहारा है, मैं अपनी बच्ची के बिना मर जाऊंगी, मुझे भी मेरी बच्ची के साथ ले चलो। ये असंभव है, तुम्हारा अभी समय नहीं आया है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं भी अपनी बेटी के साथ जाना चाहती हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं जीकर क्या करूँगी। ये कहते हुए गायत्री फूट फूट कर रोने लगी। ये देख यमराज धर्म संकट में पड़ गए और बोले, अभी मैं तुम्हारी बेटी के प्राणों को लेकर जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी बेटी के प्राण को वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें खुद चलकर यमलोक आना होगा। इतना कहकर यमराज गायत्री की बेटी के प्राणों को लेकर वहाँ से अदृश्य हो गया। बेचारी गायत्री अपनी बेटी के प्राणों के खातिर यमलोक जाने का रास्ता खोजने निकल पड़ी। बाहर सर्द हवाएं चल रही थी। फटे पुराने कपड़ों में गायत्री मीलों का सफर तय करने के बाद एक सुनसान खाड़ी में पहुंची। रात भी काफी हो चुका था। भगवान जी, मेरी मदद करो, एक लाचार माँ की विनती सुन लो, मुझे यमलोक जाने का रास्ता बताइए। मुझे मेरी बच्ची को बचाना है। ये कहते हुए गायत्री की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ अंधेरी रात में एक आकृति प्रकट हुई। ये देख गायत्री बोली, तुम कौन हो? मैं रात्रि की देवी हूँ, क्या तुम यमलोक जाने का रास्ता खोज रही हो? हाँ देवी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे अपनी बेटी के प्राणों को बचाने के लिए आपकी हर शर्त मंजूर है। मुझे सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती चाहिए। मेरी बेटी के प्राणों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। गायत्री ने रात्रि की देवी की शर्त मान ली। उसके बाद रात्रि की देवी ने जादुई शक्ति से गायत्री की सारी खूबसूरती छीनकर उसे एक कुरूप औरत में बदल दिया। फिर वादे के अनुसार रात्रि की देवी अपनी जादुई शक्ति से एक आग का गोला प्रकट करते हुए बोली, गायत्री, तुम इस आग के गोले के पीछे चलती जाओ, ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जाएगा। इतना कहकर रात्रि की देवी अदृश्य हो गई। वहीं गायत्री ठिठुरते हुए अंधेरी रात में आग के गोले का पीछा करते हुए चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद गायत्री को बीच रास्ते में एक गहरा समुद्र दिखाई दिया। हे भगवान, मैं इस गहरे समुद्र को पार कैसे करूंगी? मुझे अपनी बच्ची के पास जल्दी पहुंचना है। ये कहते हुए गायत्री बेबस होकर समुद्र की ओर देखने लगी। तभी समुद्र में से एक ऊंची लहर उठी और समुद्र के देवता प्रकट हुए। मैं समुद्र का देवता हूँ, तुम इस समुद्र को पार कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन मदद के बदले तुम्हें उसकी कीमत देनी होगी, तुम्हें अपनी उम्र मुझे देनी होगी। क्या? अगर मैं तुम्हें अपनी उम्र दे दूंगी तो मैं अपनी बेटी के प्राण कैसे बचाऊंगी? ये कहते हुए गायत्री ने समुद्र के देवता को सारी बात विस्तार से बताई। तब समुद्र के देवता सोचते हुए बोले,
अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें 1 घंटे का जीवित रहने का जीवन दान देता हूँ, उसके बाद तुम मर जाओगी। अगर तुम मेरी बात मानती हो तभी मैं तुम्हें यमलोक जाने का रास्ता बताऊंगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं अपनी उम्र देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बच्चे के प्राणों को बचाना चाहती हूँ। अब जल्दी जाओ और अपनी बेटी के प्राणों को बचा लो, यमलोक जाने का रास्ता तुम्हारे सामने है। देखो, तुम्हें सामने सीढ़ियाँ दिखाई देंगी जो तुम्हें सीधा यमलोक ले जाएंगी। अब देर मत करो, जल्दी जाओ, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। ऐसा कहकर समुद्र के देवता गायब हो गए, साथ ही समुद्र भी। गायत्री बड़ी ही हिम्मत से उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आगे बढ़ी। एक एक पल उसके लिए बहुत कीमती था। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए यमलोक के द्वार पर जा पहुंची। गायत्री की सांसें उखड़ रही थी क्योंकि यमलोक पहुंचते पहुंचते आधा घंटा बीत गया था। मेरी सांसें उखड़ रही है, भगवान जी मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने बच्चे के प्राण बचा सकूं। ये कहते हुए जैसे ही गायत्री ने यमलोक के अंदर कदम रखा तभी जोरदार हंसी के साथ यमराज प्रकट हुआ और बोला, हा 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 हा, आओ गायत्री, आखिर तुम यहाँ तक पहुँच ही गई। हाँ यमराज, मैं आ गई, मेरी बच्चे के प्राण अब मुझे वापस कर दो। मेरे पास समय बहुत कम है, मेरी सांसें उखड़ रही है, मरने से पहले मैं अपने बच्चे को सही सलामत देखना चाहती हूँ। गायत्री, तुम सच में बहुत ही अच्छी माँ हो, तुमने अपनी बच्ची को बचाने के लिए अपनी खूबसूरती और उम्र दोनों ही कुर्बान कर दी। वो सब तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम उनकी परीक्षा में सफल रही, लेकिन अब तुम्हें मेरी एक आखिरी परीक्षा से गुजरना होगा। अगर तुम इस परीक्षा में सफल रही तभी तुम अपनी बच्ची के प्राण बचा पाओगी। ये कहते हुए यमराज ने अपनी जादुई शक्ति से 2 कांच के आईने प्रकट किए। एक आईने में हंसते खेलते हुए गायत्री की बेटी भूमि थी और दूसरे आईने में एक अनजान उदास लड़की सड़क किनारे बैठकर भीख मांग रही थी। फिर उन आईनों को दिखाते हुए यमराज ने कहा, हा 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 हा, गायत्री तुम्हें इन दोनों में से एक आईना चुनना होगा। अगर तुमने सही आईना चुना तो तुम्हारी बेटी के प्राण तुम्हें वापस मिल जाएंगे, और अगर तुमने गलत आईना चुना तो तुम हमेशा के लिए अपनी बेटी खो दोगी। मैं तुम्हें बस कुछ ही पल का समय दे रहा हूँ, जल्दी बताओ तुम कौन सा आईना चुनोगी। गायत्री ने दोनों आईनों की तरफ ध्यान से देखा। एक आईने में उसे उसकी बेटी हंसते खिलखिलाते हुए नजर आई और दूसरे आईने में एक मासूम लड़की सड़क किनारे उदास बैठी हुई दिखाई दी। दोनों आईनों के अंदर की तस्वीर देखकर गायत्री दुविधा में पड़ गई और यमराज से बोली, अगर मैं इन दोनों आईनों में से एक आईने को चुनती हूँ तो क्या होगा? अगर तुम पहला आईना चुनती हो जिसमें तुम्हारी बेटी की झलक दिखाई दे रही है तो तुम्हारी बेटी के प्राण मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, और बदले में दूसरे आईने में जो लड़की है उसके प्राण मैं हर लूंगा। क्या मैं इन दोनों को नहीं बचा सकती? दूसरा आईने में जो लड़की है बेचारी, वो भी कितनी मासूम है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, मैं इतनी स्वार्थी नहीं कि मैं अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किसी मासूम बेगुनाह की जान संकट में नहीं डाल सकती, और यदि मैंने अपनी बेटी की जान नहीं बचाई तो मैं एक बुरी माँ कहलाऊंगी। नहीं नहीं, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, भले ही मुझे अपने जीवन का बलिदान देना पड़े, फिर भी मैं दोनों को बचाऊंगी। ये कहते हुए गायत्री ने दोनों आईनों को अपने सीने से लगा लिया। तभी अचानक गायत्री के चारों तरफ एक तेज रोशनी हुई। तेज रोशनी की चमक से गायत्री ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब कुछ देर बाद गायत्री ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने स्वस्थ बेटी भूमि के साथ अपने आप को अपने घर में पाया। अपनी बेटी को बिल्कुल स्वस्थ देख गायत्री फूली न समाई और हैरानी से बोली, बिटिया तुम ठीक हो गई, पर मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो यमलोक में थी। इतना ही नहीं, गायत्री अपने आप को पहले जैसा देखकर बहुत हैरान थी। तभी वहाँ जोरदार हंसी के साथ यमराज प्रकट हुए और बोले, हा 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 हा, गायत्री तुम मेरी परीक्षा में सफल रही। तुम्हारी अच्छाई और दयालु स्वभाव के कारण मैंने तुम्हारी बेटी के प्राण तुम्हें लौटा दिए। अब तुम खुशी खुशी अपनी बेटी के संग रहना। इतना कहकर यमराज गायत्री और भूमि से अलविदा लेकर वहाँ से गायब हो गए। उसके बाद गायत्री अपनी बेटी भूमि के संग हंसी खुशी रहने लगी। रश्मि, ओ रश्मि बेटी, जल्दी से उठ जा, स्कूल के लिए देरी हो रही है। अरे मेरी प्यारी नानी माँ, मैं तो कब से उठ गई हूँ और तैयार भी हो गई हूँ। अच्छा, क्या बात है,
मेरी बिटिया रानी तैयार हो गई। जब आप पानी भरने गई थी मैं तभी उठ गई थी। नानी माँ अब मुझे जल्दी से खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है। ये लो दूध का गिलास और आलू का पराठा। आलू का पराठा? आज तो खाने में बहुत मजा आ जाएगा। इसके बाद रश्मि पेट भर के खाना खाती है और स्कूल चली जाती है। रामनगर गांव में रश्मि अपने नानी के साथ रहती थी। रश्मि की माँ प्रेरणा की शादी पास ही के गांव में सुशील नाम के एक लड़के से हुई थी। सुशील एक फैक्ट्री में काम करता था। प्रेरणा की दो बेटियाँ थी। अब फिर से प्रेरणा माँ बनने वाली थी। सबको इस बार आस थी कि प्रेरणा एक लड़के को जन्म देगी। एक दिन सुशील की माँ कहती है, इस बार लड़का हो जाए पूरे गांव में मिठाई बांटूंगी। हे भगवान, प्रेरणा और बच्चा ठीक रहे, बस आप इन दोनों का ध्यान रखना। तभी वहाँ पर नर्स आती है और कहती है, मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। जी, वो प्रेरणा और बच्चा ठीक तो है ना? जी, माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक है। पहले कम लड़की थी, जो एक और लड़की आ गई। इतना कहकर लक्ष्मी बिना लड़की का मुंह देखे वहाँ से चली जाती है। अगले दिन प्रेरणा को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जब सुशील और प्रेरणा बच्चे को घर लेकर आते हैं, तो लक्ष्मी बेटी को देखती है। उसके माथे पर एक काला निशान था, जिसे देखकर लक्ष्मी उसे भला बुरा कहने लगती है। फिर से बेटी पैदा की है और ऊपर से माथे पर इतना बड़ा निशान लेकर आई है। प्रेरणा की माँ भी उसके ससुराल आ रखी थी। लक्ष्मी प्रेरणा की माँ के सामने ही प्रेरणा को बेटी पैदा करने पर बातें सुनाई जा रही थी। इस बात पर प्रेरणा की माँ लक्ष्मी से कहती है, बहन जी, बेटियाँ तो लक्ष्मी का रूप होती हैं और हर बच्चा अपना भाग्य लेकर आता है। आप चिंता मत करिए, भगवान सब अच्छा ही करते हैं। तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे के सर पर इतने लड़कियों का भार डाल दिया है और अब एक और बेटी और ऊपर से इसके माथे पर ये बड़ा सा निशान। उस बच्चे के मुंह पर एक जन्मजात निशान था। उसे देखते ही कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि ऐसा निशान सही नहीं होता और ये निशान पिता पर भारी पड़ता है। गांव के लोगों की ये सब बातें सुनकर लक्ष्मी अब उस बच्चे को अपने घर में नहीं रखना चाहती थी। देखिए बहन जी, आप इस लड़की को और अपनी बेटी को यहाँ से घर लेकर जाओ, मैं इन दोनों को यहाँ नहीं रखना चाहती। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो, मैं अपनी बेटी को कहीं लेकर नहीं जाऊंगी। हाँ माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो, ये हमारी बच्ची है, कहाँ जाएगी वो? चुप कर तू, तुझे कुछ नहीं पता, ये लड़की तेरे लिए शुभ नहीं है, ये यहाँ से जाएगी ही। लक्ष्मी की ये बातें सुनकर प्रेरणा की माँ को कुछ समझ नहीं आता। फिर प्रेरणा की माँ कुछ देर सोचने के बाद फैसला करती है कि वो उस छोटी बच्ची को अपने साथ ही रख लेगी। आप प्रेरणा को यहीं रखिए, मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगी और पालूंगी। इतना कहकर प्रेरणा की माँ छोटी बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसका नाम रश्मि रखती है। और वो रश्मि को बहुत प्यार करती थी। अब रश्मि की नानी ही उसके लिए उसकी माँ थी और बाप भी। रश्मि की नानी रश्मि का अकेले ही पालन पोषण करती थी। रश्मि का पालन पोषण करने के लिए उसकी नानी दूसरों के घरों में काम तक किया करती थी। धीरे धीरे रश्मि बड़ी हो रही थी। एक दिन वो अपनी नानी से अपने माथे पर जन्मजात निशान के बारे में पूछती है। नानी माँ, मेरे चेहरे पर ये कैसा निशान है? ये निशान भगवान ने तुम्हें खुद ही दिया है, तुम्हें सबसे अलग बनाकर, क्योंकि मेरी रश्मि सबसे अलग है। रश्मि की नानी उसको कभी भी उसके माता पिता की कमी महसूस नहीं होने देती थी। गांव के सभी लोग रश्मि और उसकी नानी की बात किया करते थे कि कैसे उसने रश्मि को बचपन से ही पाला। एक दिन रश्मि अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तभी वहाँ पर दो औरतें आपस में बातें कर रही थी।
अरे अब तो रश्मि बहुत बड़ी हो गई है, कितनी सी थी जब इसकी नानी इसको घर लेकर आई थी। सुना है जब ये पैदा हुई थी तब इसकी दादी ने इसको और इसकी माँ को घर से निकालने का फैसला किया था, तो इसकी नानी इसको अपने साथ यहाँ ले आई, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। रश्मि उनकी ये सारी बातें सुन लेती है और उदास होकर अपनी नानी के पास जाती है और उनसे कहती है, नानी मुझे माता पिता ने अपने पास क्यों नहीं रखा? क्या दादी ने मुझे घर से निकालने का फैसला किया था? क्योंकि मेरे मुंह पर ये निशान है। ये फालतू की बातें, मेरे बच्चे से किसने की, किसने मेरी बेटी का दिल दुखाया? ये सब झूठ है बेटी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जब तू पैदा हुई थी तब तो सब बहुत खुश हुए थे, वो तो मैं यहाँ पर अकेली रहती थी इसलिए मैं तेरे को अपने साथ ले आई। तू इस निशान के साथ पैदा हुई थी तो तू घर में सबसे सुंदर लग रही थी, इसलिए मैंने सबसे कह दिया था कि इसको तो मैं अपने साथ ही ले जाऊंगी। सच में नानी मैं सबसे सुंदर दिख रही थी? हाँ और तुम तो अभी भी सुंदर हो। समय बीतता गया, रश्मि अब और बड़ी हो चुकी थी, उसने स्कूल भी पास कर लिया था। अब रश्मि का पुलिस ऑफिसर बनने का सपना था। नानी माँ मैं पुलिस अफसर बनना चाहती हूँ। अच्छा मेरी बेटी पुलिस अफसर बनना चाहती है? हाँ नानी माँ, लेकिन इसके लिए मुझे शहर में जाकर पढ़ाई करनी होगी और उसमें बहुत पैसा लगेगा। कोई बात नहीं बेटी, मैं पैसों का इंतजाम कर लूँगी। लेकिन नानी मुझे आपको अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। अरे बेटा तू एक बार पुलिस ऑफिसर बन जा, उसके बाद मैं भी तेरे पास ही रहने लगूंगी। उसके बाद रश्मि की नानी रश्मि का शहर में अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देती हैं। उसके लिए रश्मि की नानी ने एक सेठ को अपनी पूरी जमीन गिरवी रखवा दी थी। अब रश्मि की नानी फिर से घर में अकेली रह गई थी और ज्यादा उम्र होने की वजह से उससे ज्यादा काम भी नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी वो लोगों के घरों में काम करके कैसे न कैसे रश्मि को शहर में पैसे भिजवा देती थी। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रश्मि की नानी के घर पर सेठ आ जाता है। सुन बुढ़िया, अब तुझे ये जमीन खाली करनी होगी, अब ये मेरी जमीन हो गई है। सेठ जी मुझ पर दया कीजिए, मुझे कुछ समय यहाँ रहने दीजिए, मेरी बेटी के लौट आते ही मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं ये सारी जमीन किसी और को बेच रहा हूँ, इसलिए तू यहाँ पर नहीं रह सकती। लेकिन सेठ जी मैंने आपको ये जमीन गिरवी रखवाई थी, तो आप इसे किसी और को कैसे बेच सकते हो? लेकिन सेठ उसकी एक नहीं सुनता और रश्मि की नानी को घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है और उस गाड़ी से रश्मि बाहर आती है। रश्मि पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी। सेठ और उसके आदमी रश्मि को पुलिस की वर्दी में देखकर घबरा जाते हैं। रश्मि को जब सेठ की करतूतों के बारे में पता चलता है तो रश्मि उसको जेल में कैद करवा देती है। नानी आज मैं आपकी ही वजह से एक बड़ी पुलिस ऑफिसर बन पाई हूँ। बहुत अच्छे बेटी, आज तुमने गर्व से मेरा सर ऊंचा कर दिया। नानी माँ सिर्फ आपकी ही वजह से मुझे ये जिंदगी मिल पाई है और आपने मेरे लिए कितने दुख सहे हैं, आपकी जैसी नानी सबको मिले। आपको याद है आपने कहा था जब मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊंगी तो आप मेरे साथ शहर में रहेंगी। हाँ बेटी क्यों नहीं। इसके बाद रश्मि अपने नानी को लेकर शहर में जाकर एक अच्छे से घर में रहने लगती है। रश्मि और उसकी नानी अपने जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगे थे।